हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलर मूवमेंट. ठीक है, ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका चिपको मूवमेंट पर. चिपको मूवमेंट जो थी वो 1973 में हुई थी उत्तराखंड में. ठीक है, उत्तराखंड के दो तीन विलेजेस में हुई थी. कारण क्या थे कि चिपको मूवमेंट हुई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था परमिशन देने से विलेजेस को कि वो ऐश ट्रीज को फेल डाउन करें अपने एग्रीकल्चरल टूल्स या पर्पसेस के लिए. लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेम लैंड जो थी वो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दी फॉर कमर्शियल यूज़, जिसकी वजह से विलेजेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आया. वे काफ़ी ज़्यादा एनरेज्ड हो गए एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट. ये स्ट्रगल जो थी काफ़ी बड़े लेवल पे हुई और उत्तराखंड के बहुत सारे पार्ट्स में ये स्ट्रगल जो है वो स्प्रेड आउट हुई. एज ए रिजल्ट इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिमांड की. अब सिर्फ चिपको मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्सेज चाहिए थे, अब उनका मेजर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था उनका रीजन में, वो इश्यूज़ को भी उन्होंने लार्ज लेवल पे रेज किया. विलेजर्स ने डिमांड किया कि कोई भी फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आउटसाइडर्स को ना दिए जाएं. ये उनकी पहली मेजर डिमांड थी. दूसरी डिमांड थी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं का इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए उनके रिसोर्सेज पर, उनके विलेज के और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर किसी बाहर की कम्युनिटी का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए. They wanted the government to provide low cost material to small industry. वो चाहते थे कि government जो है उनको कम दामों पर जो है material provide करे ताकि उनकी small industries जो है वो development कर सकें. ठीक है, इसके बाद वो चाहते थे कि उनकी development ensure हो उनके region की, जिसके basis पर कोई भी ecological balance जो है वहाँ पर disturb ना हो. ठीक है, मूवमेंट जो थी उसने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो थे उन्हें राइज़ किया. किन किन लोगों के इकोनॉमिक इश्यूज़ को राइज़ किया? फॉरेस्ट वर्कर्स को जो लैंडलेस थे. ठीक है, और उन्होंने गारंटीज़ मांगा कि उनको मिनिमम वेजेस जो हैं वो दिए जाएं. तो ये मेजर डिमांड्स थी इस मूवमेंट की. एज अ रिज़ल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, बहुत सारी औरतों ने भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया, जो कि इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नॉवल एस्पेक्ट है. फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है अल्कोहल की सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन विमेन जो थी वो एजिटेशन पे सस्टेन रही. उन्होंने अल्कोहलिज्म के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया इसी मूवमेंट के अंदर, प्लस उन्होंने और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज जो थे वो कवर्ड किए. एज अ कॉन्सिक्वेंस ये मूवमेंट एक विक्ट्री रही. ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो है फेलिंग ऑफ ट्रीज पर बैन लगा दिया हिमालयन रीजन में फॉर 15 ईयर्स. सो चिपको मूवमेंट इज़ वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल इंडिया के लिए. ठीक है, एक ऐसा लिविंग एग्जांपल जिसमें विमेन का रोल भी एमिनेंट रहा. ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लोकल विलेजर्स ने अपने रिसोर्सेज के लिए उनको सस्टेन करने के लिए डिमांड की. दैट्स ऑल, थैंक यू.